हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और रनिंग कर रहे होंगे। अब सवाल बनता है कि पीटी क्या होता है और उसमें पीटी में रनिंग कैसे की जाती है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हमने 3 बार पीटी दिया है, इसमें एक बार हम रनिंग में फेल हुए हैं, बाकी 2 बार कॉन्स्टेबल और यूपीएसआई की रनिंग हमने क्वालिफाई किया है। और इस समय लड़के क्या क्या गलतियां करते हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप ऐसे समझिए, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, जिसमें जिसमें बॉयज में 4.8 किमी दूरी तय करनी होती है 25 मिनट में, यानी कि 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और लड़कियों का 2.4 किमी दूरी तय करनी होती है 14 मिनट में, यानी कि 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं ग्राउंड के। और इसमें हमें क्या गलती नहीं करनी है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमने 3 बार पीटी दिया हुआ है, कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटी हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह गलती आप मत करें। अगर गलती आप करेंगे तो फिर पछताएंगे, नुकसान आपका हो जाएगा। पहला केस समझिए आप, हम आपको आंखों देखी घटना बता रहे हैं कि मैं हमारी लड़का और लड़कियों की रनिंग एक साथ बुला लिया जाता है, लेकिन लड़कों का बैच एक बार दौड़ता है फिर लड़कियों का बैच दौड़ता है। तो हमारा रनिंग हो गई थी, इसके बाद लड़कियों की रनिंग हम देख रहे थे, तो एक हास्यास्पद दृश्य देखने को मिला था कि एक महिला साड़ी पहन के दौड़ रही थी, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, कैसे दौड़ा होगा। और फाइनल कटअप में वो और फाइनल रेस में वह बाहर भी हुई। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको साड़ी पहन के नहीं दौड़ना है, लोवर टी शर्ट ही सबसे कंफर्टेबल ड्रेस है, इसमें आपको दौड़ना है लड़कियों के लिए। और सेकंड केस है कि लड़के या लड़कियां क्या करते हैं, जैसे ही रेस कंप्लीट होती है वो लेट जाते हैं। तो आप लोगों को लेटना नहीं है, क्योंकि फिर एम्बुलेंस भी खड़ी होती है और आपका शरीर को नुकसानदायक है। आपको थोड़ा बहुत टहलते रहना है, पैदल चलते रहना है, सांस धीरे धीरे कम होगी, नहीं तो सांस एकदम रेस्ट में आएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर मुश्किल भी होती है। और हमारे सामने कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, लेकिन एक दो बच्चों को एम्बुलेंस रख के अस्पताल तक ले गई थी। इसलिए आप लोगों को दौड़ने के बाद लेटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरा केस आया है, एक हमारा ही फ्रेंड था कि जिसकी बहुत ही अच्छी रेस थी, हमसे भी अच्छा दौड़ रेस कर लेता था, लेकिन जैसे ही उसने 6-7 राउंड किए तो उसे प्यास लगी और वो इतना पानी पी गया कि 10 राउंड पर पहुंचने के बाद वो गिर गया, और गिरने के बाद फिर वो उठा ही नहीं। हम उससे रेस में भले स्पीड में धीरे थे, लेकिन हम धीरे धीरे चलते रहे चलते रहे, हमारे 12 राउंड कंप्लीट हो गए, हमारी रेस कंप्लीट हो गई। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि 5 से 6 राउंड के बीच आप पानी बहुत सारा पियेंगे, आप रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका गला सूख रहा है तो आप 10 से 15 बूंदें या थोड़ा सा आप जीभ पे पानी रख लीजिए कि आपका गला मत सूखे, गले तक ही पानी पहुंचे, पेट तक पानी मत पहुंचे। और चौथा एक केस है कि हमने देखा है कि लड़के क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो सभी लड़के करते आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर हम अपना रिकॉर्ड बना के जाएंगे कि पता चलेगा हमने 20 मिनट में रेस क्वालिफाई कर दी है। जबकि आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है, सिर्फ रेस क्वालिफाई करना है, वो भी 25 मिनट में। इसलिए ऐसे ही एक लड़के ने गलती क्या की कि वो आराम से 25 मिनट में रेस निकाल लेता था, लेकिन यहाँ पे आके वो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में शुरुआत में बहुत तेज दौड़ गया और 6 से 7 राउंड लगा पाए, इसलिए उसकी स्पीड धीरी हो गई है, और धीरे धीरे फिर लास्ट तक ओवर टाइम हो गया, वो फेल हो गया। आपको शुरुआत में जो 2 से 3 राउंड है वो 2 मिनट का एक राउंड में ही दौड़ना है, बॉडी गर्म करनी है आपको। जब आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी फिर आप आराम से दौड़ सकते हैं, और लास्ट में आप जितना तेज हो सकता है लास्ट के 2 राउंड 3 राउंड तब आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तेज लगाने की गलती मत करना है।
अक्सर सब लोग यही बताते हैं कि गलती नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन गलती आप लोग कर ही देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। नौकरी का मौका हर बार नहीं मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है तब आप ऐसी गलती मत करें। और पांचवा केस, जो कि हमारे आंखों सामने ही देखा हुआ केस था, कि रनिंग करते करते जब शाम हो गई, मैं कांस्टेबल का रनिंग कर रहा था, तो जब बेस्ट दौड़ाया गया, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो लड़का एकदम हड़बड़ाहट में दौड़ लगा दी और हालत ये हुआ, दो चक्कर गया, पता नहीं क्या हो गया कि एकदम पैर फिसला उसका और गिर गया, और गिरने के बाद उसका पैर टूट गया। इतनी बुरी दशा थी उसके पैर की कि देखते ही मैं भी विचलित हो गया। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। पुलिस की रेस बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, बस अगर आपकी प्रैक्टिस है आप आराम से रेस निकाल दीजिए। और जब आप फाइनल रेस करेंगे, जो आपका नॉर्मल प्रैक्टिस करते समय ग्राउंड में जो आपकी टाइमिंग आ रही होगी, जैसे कि आप 25 मिनट में या 26 मिनट में ग्राउंड में आप टाइमिंग में रेस निकाल रहे हैं, तो आप जब फाइनल रेस लगाएंगे तो आपका एक मिनट का अंतर हर हाल में आएगा। मैंने तीन रेस की है और तीन जिसमें से दो क्वालिफाई हुआ है, एक में हम ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे जो पहली रेस थी। तो दोनों रेस में हमारा जिसमें हम क्वालिफाई हुए हैं उसमें कम से कम एक मिनट का अंतर आता है, एक मिनट कम हो जाती है फाइनल रनिंग में। तो आप लोग आराम से करें और कंफर्टेबल तरीके से करें, हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी रनिंग मत करें जिससे आपका नुकसान हो। और इन पांच केसों को ध्यान से भूलना नहीं है, ऐसी गलती आपको मत करना है, क्योंकि हम अगर जो हमारे सामने घटना घटी है हमने आपको बता दी है, अगर आप ही यही गलती करेंगे तो सीखते सीखते आपकी जिंदगी ही निकल जाएगी और कुछ चीजें सीख ही नहीं जाती हैं, दूसरों को देख के सीख जाती हैं, खुद पे अप्लाई हो जाए तब नहीं सीख जाती हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।